आगरा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का विवादित ऑडियो वायरल होने के बाद उन्होंने सामने आकर सफाई दी है। रामशंकर कठेरिया ने दारोगा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने पीड़ित को धमकाया था। वहीं रामशंकर कठेरिया ने कहा कि उन्होंने किसी तरह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। जिसकी पिटाई हुई और वो जिसके पैर में दारोगा ने डंडा ये कहकर के मारे कि योगी को और वोट देगा, योगी को और वोट देगा, और वो 50 लोगों को लेकर के मेरे घर पर रोता हुआ आया, जिसकी उम्र होगी 60 साल, उसके घुटने से पैर से ब्लड निकल रहा था, और जब वो रो रहा था और ये कहकर के कोई दरोगा ये कहे कि योगी को और वोट देगा, तब जब मैंने पता लगाया तो वो यादव तो उस नाम का उल्लेख किया है, किसी जात बरादरी के हिसाब से नहीं बोला है। एक पुलिस के दरोगा को ये कहना कि मुख्यमंत्री योगी को और वोट देगा और 4 डंडे इस बात के मारना, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से गलत था। दरअसल आगरा पुलिस ने प्रशासन के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद रामशंकर कठेरिया ने दारोगा को धमकी देते हुए नौकरी से निकालने की बात कही थी। आगरा से ब्रजभूषण, पंजाब केसरी टीवी।